हेलो दोस्तों, प्रसन्न मैं चलो मुनी के नाम आपका स्वागत है। अभी आरबीआई ने बहुत सारा अपडेट लेकर है अपने यूजर के लिए, जो भी बैंकिंग सर्विस में बैंकिंग फैसिलिटी बहुत सारा प्रोवाइड कर रहे हैं अपने काफ़ी सारे यूजर को। तो वैसे भी और एक जो भी फैसिलिटी अभी और एक नया अपडेट लेकर आरबीआई ने नंबर यूपीआई, इसका मतलब आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो ही आपका यूपीआई होगा। तो इसका बेनिफिट क्या है और आपको उसको कैसे एक्टिव करना है, तो इसके बारे में कंप्लीट आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक आपको बने रहना है क्योंकि हर किसी कोई भी नया नया अपडेट है, हमको भी अपडेट रहना है। जैसे भी जनरेशन चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो हमको वैसे ही अपडेट होकर रहना है। तो इसका बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में हम कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। बस वीडियो को आखिर तक आपको देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप पाए और वो वीडियो पहले देख सके। काफ़ी सारा नया नया अपडेट वाला वीडियो हमारे चैनल पर आते रहता है। अगर आपको ऐसे अपडेट वाला वीडियो देख रहे हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो बात करते हैं जो नंबर यूपीआई क्या होते हैं। देखिए, नंबर यूपीआई ये होता है कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हम दो यूपीआई के बारे में बात करेंगे बेसिकली, और काफ़ी सारा यूपीआई है तो हम दो यूपीआई के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया। वहाँ पे अगर आपका फ़ोनपे यूज़ करते हैं, अगर वहाँ पे आप अपना यू पी आई आई डी निकालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं साइड में, जब भी आप अपना यू पी आई आई डी निकालेंगे ना तो वहाँ पर आपको @YBL @IBL @AXL ऐसा कुछ लिख के आएगा कि जो भी बैंक के साथ उनका टाइप होगा, वो पार्टनर बैंक होगा, तो उनके थ्रू ही आप अपना यू पी आई आई डी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपका गूगल पे है तो वहाँ पे आपका नाम, आप ये जैसे कि फ़ोनपे पे मोबाइल नंबर के सामने @YBL ऐसे लिख के आता होगा, तो गूगल पे थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे आपको आपका मेल आईडी के साइट में आपको @OKICCI @OKXI @OKHDFC Bank @OKSBI ऐसे कुछ लिख के आता होगा। तो ये क्या होता है, उनका पार्टनर बैंक होते जो कि उनको एक यू पी आई आई डी प्रोवाइड कराते हैं, जो यू पी आई आई डी हम यूज़ करते हैं। ये गूगल पे फ़ोनपे बने और काफ़ी सारा यू पी आई प्लेटफॉर्म है, बट बेसिकली हर जो ज़्यादा यूज होते हैं हमारा गूगल पे और फ़ोनपे, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो अभी पहले ये चलता था कि आपको इतना बड़ा नाम याद रखने के लिए भी प्रॉब्लम होता था, जैसे कि गूगल पे में मेल आईडी के सामने कुछ यू पी आई आई डी बना होता है, तो किसको अगर आप यू पी आई आईडी बताएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। चलो फ़ोनपे थोड़ा सही है, मोबाइल नंबर के साइड में @YBL @IBL ऐसे लिखा होता था, मगर उसको भी और थोड़ा सा ईजी हो गया है। मतलब अगर आपका मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर ही आपका यू पी आई है, उसके साइड में आपको कुछ भी @YBL @OKICCI @OKHDFC Bank @IXL कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही कि अगर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपका यू पी आई आई डी बनेगा। अच्छा, ये जो सर्विस है उसको एक्टिव कैसे करना है, इसके बारे में हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं, मगर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इसका बेनिफिट और भी एक है कि जैसे कि अगर आपका गूगल पे है और आप और कोई आपको फ़ोनपे से आपको पैसा भेजना चाहता है, जैसे कि उसके पास गूगल पे नहीं है, तो आपको क्या ना पहले क्या होता था कि फ़ोनपे टू फ़ोनपे आप ट्रांसफ़र कर सकते थे या गूगल पे टू गूगल पे ट्रांसफ़र कर सकते थे। मगर अगर ये नंबर यू पी आई के थ्रू आपको और एक बेनिफिट मिलेगा, अगर आपका गूगल पे है तो अगर कोई फ़ोनपे से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या अदर आप यू पी आई ऐप से आपको मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली आपको मोबाइल नंबर के थ्रू ही पेमेंट भेज सकते हैं और आपका जो भी मोबाइल नंबर साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा वो बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट चलाएगा। तो ये भी और एक बेनिफिट है। अगर आप भी किसी को पेमेंट भेजना चाहते हैं तो उनके पास, अगर आपके पास गूगल पे या आपके पास फ़ोनपे, उनके पास गूगल पे, तो अगर आप उनको बस मोबाइल नंबर से आपको पेमेंट भेज सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन से, कोई भी एप्लीकेशन को आप गूगल पे से फ़ोनपे भेज सकते हैं, पेटीएम भेज सकते हैं, अदर कोई भी आपको भेज सकते हैं। वैसे ही आप गूगल पे फ़ोनपे में आप कोई भी अदर आपसे मनी रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये भी और एक बेनिफिट है। और ये जो सर्विस मोबाइल नंबर और नंबर यू पी आई सर्विस अभी गूगल पे ही स्टार्ट किया है, अभी जरा बहुत अभी काफ़ी सारा यूज़र को मिला है, ऐसे कि नहीं 100% यूज़र को मिल चुका है, मगर काफ़ी सारा यूज़र को ये फैसिलिटी मिल चुका है और वो एक्टिव कर चुके हैं। अगर आपको भी अपना नंबर का यू पी आई एक्टिव करना है तो इसके रिलेटेड हमारे चैनल पे पहले से पूरा कंप्लीट वीडियो है, मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, आप जाके वो वीडियो देख के अपना गूगल पे में एक नंबर यू पी आई एक्टिव कर सकते हैं और जो भी आपका यू पी आई है उसको और भी ईजी बना सकते हैं। तो जैसे कि जब भी बैंकिंग सेक्टर में कोई भी अपडेट आता है तो हम उसको साथ अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि हमको कभी भी बैंकिंग का या फाइनेंस जो भी फैसिलिटी यूज़ करने के लिए बहुत आसान हो जाए। तो अगर आप अभी गूगल पे यूज़ करते हैं, अभी तो फ़ोनपे में ये सर्विस नहीं है, अगर आप गूगल पे यूज़ करते हैं तो अभी जाइए गूगल पे ओपन करके अपना नंबर यू पी आई को एक्टिव करिए। तो ये था कंप्लीट वीडियो कि नंबर यू पी आई जो RBI ने नया अपडेट लाया नंबर यू पी आई के थ्रू वो क्या है और उसका आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बजे और आप वो वीडियो को पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया कर लेंगे।